विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी मित्रों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार व वास्तु गुरु जी, यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको नामांक के बारे में बताएंगे। नामांक दरअसल क्या होता है? ना और अंक, नाम और अंक को मिला दो तो क्या बन गया? नामांक। यानी हमारा जो नाम है वो किसी न किसी एक अंक पे है, और एक से लेकर 9 तक अंक होते हैं और एक से लेकर 9 तक ग्रह होते हैं। यानी हर अंक एक ग्रह पर है। इसको जो है, आप हमारा जो लोगो है उसमें आप देख सकते हैं कि हर अंक के नीचे एक ग्रह लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि नाम का भी कोई अर्थ है? नाम भी ग्रह पर होता है, आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ होगी। हमने अपने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि क्या आपका नाम भी आपको सफलता या असफलता देता है। उसमें बहुत सारे आपको प्रमाण दिए थे, अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार से लेकर रणवीर भावनानी सभी के वो दिए थे हमने प्रमाण। निश्चित रूप से हमारा नाम भी हमारी सफलता और असफलता योगदान देता है। इस वीडियो के माध्यम से आप स्वयं चेक करेंगे कि आपका नाम भी किस ग्रह पर है और वो आपके लिए सफल ग्रह या असफल ग्रह। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे हमारे अपने नाम की। जैसे हमारा नाम सुधीर त्रिपाठी पंडित जी है। अब नाम की काउंटिंग कैसे करेंगे? नाम की काउंटिंग करने के लिए अंक ज्योतिष में दो प्रमुख विद्याएं, जिसमें एक चैल्डियन और दूसरा पाइथागोरस। चैल्डियन में 1 से लेके 8 तक काउंटिंग की जाती है। चैल्डियन के चार्ट को आप यहाँ देख रहे हैं, और पाइथागोरस में 1 से लेके 9 तक काउंटिंग की जाती है। हमको अपने नाम की काउंटिंग किस पर करनी है? हमने आपको पहले भी कहा था कि भारतवर्ष में हम लोग चैल्डियन को ही देखते हैं, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा सफलता मिलती है। कुछ जगह छोड़ दें, जैसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दें या कुछ जगह और, जहाँ पर हम लोग पाइथागोरस को अपनाते हैं। अब सुधीर त्रिपाठी पंडित जी की बात करें तो सुधीर का पहला अक्षर एस है का, तो निश्चित है कि एस की एक वैल्यू है। यू है, यू की एक वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, एक आई की वैल्यू है, फिर आई की वैल्यू है और आर की वैल्यू है। यहाँ पर आप देखेंगे सुधीर में हमने डबल आई आर किया हुआ है, तो निश्चित रूप से एक आई बढ़ा कर हमने क्या किया, अपने नाम का ग्रह चेंज किया। और इसको जितना ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, तो उस चीज़ के रिजल्ट हमको मिलते हैं। इसी प्रकार पूरा नाम सुधीर त्रिपाठी जो पंडित जी है, जब इसकी हम लोग काउंटिंग करते हैं चैल्डियन से, तो 73 का अंक बनता है। अब 7 + 3 को किया तो 10 आ जाएगा, और 1 + 0 को किया तो 1 आ जाएगा। तो एक का अंक सूर्य ग्रह का, यानी हमारा नाम किस पर हुआ? सूर्य ग्रह पर। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा कार्य, इसके हिसाब से सूर्य ग्रह हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं, इस हिसाब से ये हम लोग नाम की काउंटिंग करते हैं। अगर हमारा नाम सही ग्रह पर होता है तो हमको सफलता, और गलत ग्रह पर होता है तो बहुत कार्य करने के बावजूद भी असफलता, असफलता, असफलता। इस वीडियो में जो चार्ट दिए हैं, चार्ट के माध्यम से आप भी स्वयं काउंट कर सकते हैं कि आपका नाम किस ग्रह पे है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे ये सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। इसके साथ साथ इस वीडियो को आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मित्रों में, ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र रिश्तेदार जो भी हैं वो भी लाभ ले सकें और अपने जीवन को अच्छा कर सकें। दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो है, उस वीडियो में हम आपको लोसु ग्रिड, लोसु ग्रिड क्या होता है का, आपने सुना होगा कुंडली में योग होते हैं, इसी प्रकार अंक ज्योतिष में एक लोसु ग्रिड होता है जिसमें योग होते हैं।
कौन सा योग बना हुआ है या किस योग को हम क्या क्या उपाय के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, नाम के माध्यम से, या जितने भी चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ती हैं उस माध्यम से हम अच्छा कर सकते हैं, योग बना सकते हैं, वो लोसु ग्रेड के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे संग जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।